हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीता और मेरे चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चावल के बहुत ही टेस्टी कुरकुरे। अक्सर हमारे घर में चावल बच जाते हैं तो उनसे हम बहुत ही अच्छी रेसिपी बना के तैयार कर सकते हैं। यदि ना बचे तो भी आप चावल को बचा के ये रेसिपी बनाएंगे, इतनी स्वादिष्ट लगती है खाने में। ये मेरी मम्मी जी की रेसिपी है और वो अक्सर घर में बनाते रहते हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर दी जाए ये रेसिपी। तो बच्चों को बहुत पसंद आती है और आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे आधा किलो नॉर्मल वाले चावल ले लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं, जो घर में डेली यूज़ करते हैं वो चावल ले सकते हैं, या फिर सस्ते से सस्ते चावल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई हमें वैरायटी वाले चावल नहीं चाहिए। और चावल को हमने 5-6 घंटे पानी में भिगो के छोड़ दिया था, अब हमने पानी इसमें से निकाल लिया है और इसको डालेंगे हम एक प्रेशर कुकर में। आप चाहे तो इसको खुले बर्तन में भी पका सकते हैं, लेकिन प्रेशर कुकर में ये जल्दी पक जाएंगे और हमारा काम फटाफट हो जाएगा। और इसमें डालेंगे हम लगभग इसका मतलब 4 गुना पानी। जैसे हमने एक कटोरी चावल लिए है ना, तो उसी कटोरी से नाप के हमें इसका 4 से 5 कटोरी पानी डाल देना है। ये एकदम परफेक्ट नाप रहता है, मतलब इसका 4 गुना पानी ले लेना, हमें इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और ये रेसिपी आज मेरे मम्मी जी बना रहे हैं, यानी मेरे सासू जी। और इसमें हमने 5 सीटी लगा ली है और देखिए 5 सीटी में ये इतने गल गए हैं, लेकिन अभी थोड़े गले नहीं हैं, बाकी है थोड़े से। तो अभी हम इसमें मसाले मिला देते हैं। तो 1 चम्मच डालूँगी नमक और 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं और अच्छे से मिला लेंगे। यहाँ मैंने 1 चम्मच पापड़ खार होता है ना, वो डाला था, और वो डालते समय हमारा जो कैमरा है वो ऑफ हो गया था, तो हम बता नहीं पाए। 1 चम्मच पापड़ खार डाले तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आता है। ये रेसिपी मम्मी जी पहले से बना रहे हैं, बहुत पहले से, जब इनके आरुष के पापा वगैरह हमारे हस्बैंड है ना वो छोटे छोटे थे ना, तब से ये रेसिपी बनाते आ रहे हैं। तब ये कितनी बार घर में बनाते भी है तो बहुत अच्छी लगती है। तो आज हमने सोचा क्यों नहीं आपके साथ शेयर कर दी जाए ये रेसिपी, और सर्दियों के मौसम में ये झटपट से बन भी जाती है। फिर इसको खुले में और पकाना है कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि ये जो आखे चावल दिख रहे हैं ना ये सारे टूट जाए और ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जैसे आप वीडियो में देख पा रहे हैं इतना गाढ़ा रखना हमें, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है इसे। जैसे ये ठंडा होता जाएगा ना और गाढ़ा होता जाएगा, तो बस इतना रखना है। तो अभी हम 2 बर्तन में इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा थोड़ा जितना हमें चाहिए, और बाकी को हम ढक देते हैं ताकि ये गाढ़ा ना हो और सूखे नहीं, ऊपर से परत आ जाती है इस पर। तो अलग से निकाल के इनको अच्छे से ठंडा कर लेंगे थोड़ा, क्योंकि गरम गरम में तो ये हम बना नहीं सकते, लेकिन इनको ठंडा करना पड़ेगा। अब हमने एक चार पाई ली है और उस पर डालेंगे हम पॉलीथीन, जिसे मैनिया बोलते हैं, ये इसके ऊपर बिछा देंगे और इसके ऊपर हम ये कुरकुरे बनाएंगे। इनको चावल के कुरकुरे बोला जाता है, सबके अपने अलग अलग नाम होते हैं, लेकिन ये चावल के कुरकुरे हैं जो बहुत ही अच्छे बनते हैं। आप बाज़ार से लाओ, इससे अच्छा तो बच्चों को घर पे बना के इस तरह से खिलाओ, बहुत ही अच्छे रहते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो मम्मी जी और हम दोनों बनाएंगे, मम्मी जी बनाएंगे अपनी स्टाइल में और मैं बनाऊंगी अपनी स्टाइल में। तो मम्मी जी बोलते हैं हम पहले ऐसे ही बनाते थे, हाथ पे ऐसे थोड़ा थोड़ा लेके पैन की जो निप्पल होती है ना उससे इस तरह से छोटे छोटे, सेम जैसे कुरकुरे का शेप होता है ना वैसे ही शेप देके हम इसको बनाते थे और बहुत ही अच्छे बनते थे। और इस तरह से बड़ी भी बनाते थे, जैसे मूंग दाल की बड़ी बनाई जाती है ना, वो भी सेम इसी तरह से बनाते थे और बहुत ही अच्छी बनती थी। तो देखिए इसमें थोड़ा टाइम भी तो लगता है पर बनते अच्छे हैं। और अब मैं बनाऊंगी पॉलीथीन से। मैंने यहाँ पे नमक की एक थैली ली है, खाली जो थैली होती है नमक की वो ली है। आप नमक की या दूध की कोई भी ले सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम ये बैटर, जितना आ सके उतना डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं भरे, आराम से बनेंगे। और ऊपर से मुंह है जो इसका एकदम बढ़िया से पैक कर लेते हैं और इसको एक साइड कोने में ले आते हैं और इसमें करेंगे हम एक छेद। छेद आपको इतना करना है कि जैसे आपको बहुत ज़्यादा मोटे कुरकुरे बनाने हैं तो थोड़ा सा मोटा कर दीजिए, बिल्कुल पतले बनाने हैं तो आप पतला कर दीजिए। मैंने एकदम मीडियम साइज़ का रखा है, ना ज़्यादा मोटा और ना ज़्यादा पतला। और अब बनाएंगे हम इस तरह से, आप कोई भी शेप देख सकते हैं इसको, मैं इस तरह से लंबे लंबे शेप में दे रही हूँ इसको। ये देखिए ये सूखेंगे ना तो अपने आप छोटे बड़े जैसे होंगे वैसे हो जाएंगे, लेकिन अभी मैं इसी शेप में बना रही हूँ। आप चाहे तो और लंबा कर सकते हैं इनको, क्योंकि सूखने के बाद तो वैसे भी ये टूट जाएंगे, जैसे जितने लंबे छोटे हम रखना चाहते हैं रख सकते हैं।
तो ये फटाफट बन जाते हैं और मम्मी जी वाले जो है ना उनमें थोड़ी सी टाइम लगती है, पर खाने में दोनों ही अच्छे लगते हैं, पर मुझे मम्मी जी वाले ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि ये सेम दिखने में भी कुरकुरे जैसे ही दिखते हैं और स्वाद भी लगभग वैसा ही आता है क्योंकि हमने इस पर कुरकुरे वाला मसाला डाल दिया था तो सेम स्वाद आ रहा है। और ये झटपट से बन जाते हैं, जैसे आपके घर में चावल बनाते हैं और बच जाते हैं तो उन चावल से भी आप उन चावल को थोड़ा और गला लीजिए और आप थोड़े थोड़े भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, ज़्यादा इतने मतलब बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, बच्चों को क्या बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं, लेकिन बच्चों को कुरकुरों का ज़्यादा शौक होता है ना, तो आप इस तरह से घर में बना के उनको दे सकते हैं। ये देखिए मेरे वाले तो बहुत ज़्यादा बन गए, मम्मी जी वाले धीरे धीरे बन रहे हैं, पर खाने का मज़ा उन्हीं में आता है जिनमें मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन बने दोनों ही बहुत अच्छे हैं। आप दोनों तरीके अपना सकते हैं जो आपको अच्छे लगे। अब 2-3 दिन की धूप में हम इनको सुखा लेंगे। तो देखिए 2 दिन की धूप में ये अच्छे से सूख गए हैं और ये है थैली वाले जो हमने थैली में डाल के बनाया था, और इधर वाले हैं जो मम्मी जी ने हाथ से बनाए थे निप्पल से, वो है। दोनों ही बहुत अच्छे बने हैं और दोनों अच्छे से सूख गए हैं और 1/2 किलो चावल में इतने सारे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत सारे। जितने हम बाहर से लाते हैं तो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। तो अब हम इनको फ्राई करेंगे, उससे पहले इसका एक मसाला बना लेते हैं। तो 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच से थोड़ा कम नॉर्मल जो वाइट नमक होता है वो, और चुटकी भर हमने इसमें डाल दिया है हल्दी का पाउडर। तो सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और ये मसाला तैयार है। अभी हमारा तेल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है और उसमें हम ये थोड़े थोड़े डाल के फ्राई कर लेंगे। तेल को बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, ठंडा तेल होगा तो ये ना अच्छे से नहीं बन पाएंगे, कुरकुरे नहीं बनेंगे, ऐसे सख्त और चिड़े चिड़े लगेंगे, इसलिए हमें तेल बहुत ही अच्छे से गर्म करना है, फिर इसको डाल के फ्राई करना है, तभी अच्छे बनेंगे ये। तो अभी हमने इनको निकाल लिया है और गर्मा गर्म पे हम डालेंगे ये मसाला। ठंडे होने के बाद मसाला है जो चिपकता नहीं है। अभी हम दूसरे वाले जो हाथ से बनाए थे उनको भी फ्राई कर लेते हैं, पर तेल बहुत ही अच्छा गर्म रखना है तभी अच्छे फ्राई होंगे ये। और देखिए कितने फूल के बढ़िया बन रहे हैं, तो झटपट से बन जाते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और देखिए कुरकुरे के नाम लेते ही आरुष भी आ गया है पास में और बोल रहा है मम्मा मैं भी थोड़ा मसाला डाल देता हूँ इस पर, डब्बा हाथ में ही लेके घूम रहा है, क्योंकि बच्चों को कुरकुरे बहुत पसंद होते हैं, आरुष को भी कुरकुरे बहुत पसंद है तो मसाला डाल डाल के इसके मज़े ले रहा है कि खाओ। इसको जो खुद की चीज़ पसंद होगी ना खाने में वो इसके लिए पास में आएगा, हर चीज़ के लिए पास में नहीं आता है। तो देखिए हमने सारे मतलब जितने चाहिए उतने फ्राई कर लिए हैं और देखिए कितने कुरकुरे बने हैं, ये बहुत ही अच्छे बने हैं देखिए। और सब पे हमने मसाला डाल लिया है और इसको हम टोमेटो सॉस के साथ खाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा, और बच्चों को सॉस भी बहुत पसंद होता है और कुरकुरे भी, तो दोनों मिला के बच्चों को दीजिए बहुत पसंद आएंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।